कराची के इलाके लसबेला चौक पर सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, 9 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक, चाय के 2 होटल मुकम्मल तबाह, मुतादिद दुकानों और 2 गाड़ियों को नुकसान। चीनी की फी किलो कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपए पर, एक हफ्ते के दौरान 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा, एक साल के दौरान आटा 129% महंगा हो गया, इदारा बराए शुमारियात की रिपोर्ट। बिजली के भारी बिलों पर आवाम का पारा हाई, मुल्तान गुजरावाला में शहरियों का एहतजाज, बिल जला दिए, उस शरीफ में भी मुजाहरा, लैया और अटक में भी शहरियों का धरना, कराची के आवाम भी फट पड़े, कहा राशन खरीदें या बिजली के बिल भरें। नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, मखसूस अफराद के खिलाफ बतौर आलाकार इस्तेमाल हुआ, कानून का मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अहद चीमा की दरख्वास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, नैब अपील खारिज कर दी, जस्टिस अथर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए, अहद चीमा 3 साल जेल में रहे, मदावा कौन करेगा, नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी की, इंतकाल के बाद ईमानदार करार दे दिया, नैब जो कुछ करता रहा उसकी जिम्मेदारी किसी पर तो डालना होगी, जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, नैब का प्रोसिक्यूटर रहा, सिस्टम से वाकिफ हूँ, नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम है, मकसद सिर्फ सियासत है, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरी होने पर नैब के खिलाफ केस होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली का मामला लटक गया, इलेक्शन कमीशन के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत पीर तक मुलतवी, चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जमानत का मामला चल रहा है, ये इंतहाई गलत इकदाम है, 10 मिनट के तो दलाइल देने थे, मुआविने वकील बोले अमजद परवेज बेड से उठ नहीं सकते, कल भी दलाइल के दौरान दवाई ली, अदालत से वापसी पर लतीफ खोसा समेत दीगर वकला लिफ्ट में फंस गए, 30 मिनट बाद सीडीए के अमले ने बाहर निकाला।